तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। गदर 2 ने कल शानदार तरीके से 18 दिन कंप्लीट करे थे और आज 19वां दिन भी कंप्लीट करने में जा रही है, कर ही चुकी है। और यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जैसी ग्रोथ गदर 2 पहली तरह कर रही थी, सेम ग्रोथ आज भी 19 दिन पुरानी मूवी होने के बाद भी धमाकेदार कमाई कर रही है। हालांकि शुरू में जो ग्रोथ थी वो हाई पीक पर थी, अभी जो है 19 दिन के मुकाबले, एक पुरानी मूवी के मुकाबले जैसी ग्रोथ एक पुरानी मूवी की हो जानी चाहिए वैसी हुई नहीं है, अभी भी शानदार ग्रोथ कर रही है। और कल और परसों तो रक्षाबंधन का हॉलीडे भी है, तो ये फिर से उछाल मारने वाली है और इसके बाद वीकेंड फिर से तैयार है, तो जबरदस्त ग्रोथ करने वाली है। लेकिन बात करेंगे 19वें दिन के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, आज कैसा सिनेरियो है, आज कितनी कमाई ये मूवी कर चुकी है। तो सबसे पहले जानेंगे मूवी पहले 5 दिन में कितनी कमाई कर चुकी थी, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया मूवी ने, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है गदर 2, सेकंड वीक में कितनी कमाई करी और थर्ड वीक की ग्रोथ कैसी चल रही है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप सनी पाजी के डाई हार्ट फैन हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करिए, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करिए, भाई मान गए, इस साल की फास्टेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है गदर 2 अभी तक। और ऐसा ही चलता रहा तो पठान के इंडियन लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को भी ये मूवी खदेड़ देगी। वाकई में दोस्तों, गदर मूवी नहीं है, एक इमोशन है। जी हां दोस्तों, गदर को कभी खुला मैदान नहीं मिला, जब भी रिलीज हुई एक सॉलिड अपोनेंट के साथ रिलीज हुई, तब जब 2001 में रिलीज हुई थी आमिर खान की लगान मूवी के साथ रिकॉर्ड हुई थी और जबरदस्त तरीके से पहले तो बीट डाउन हुई थी, लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट करा, जब उसके बाद मूवी देखनी शुरू करी लोगों ने तब जाके उनको रिजल्ट मिला और वी ऑल नो द रिजल्ट की मूवी ने क्या धमाका करा फिर उस टाइम पर। लेकिन अभी 2023 में जब दोबारा गदर 2 मूवी दोबारा से रिलीज हुई तो इस बार भी सॉलिड अपोनेंट के साथ मूवी रिलीज हुई, लेकिन लोगों के दिल में पहले से ही गदर 2 के लिए पॉजिटिविटी थी क्योंकि 2001 में गदर का रुझान ये पहले ही देख चुके थे। जी हां दोस्तों, OMG 2 हो गई या फिर जेलर हो गई या फिर भोला शंकर हो गई, ये तीनों मूवी गदर 2 के साथ रिलीज करी गई थी। और हाल फिलहाल में ताजी रिलीज हुई है आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 और घूमर मूवी, होने के बाद भी सबको खदेड़ रही है ये रोज। आज भी 19वें दिन के कलेक्शन के मामले की बात करूं तब भी कमाई अपने खाते में रोज रख रही है, साथ में पठान जैसी इस साल की जाइंट मूवी को भी खदेड़ रही है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सिक्वल है जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी ये मूवी एट दैट टाइम। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है मूवी में, सनी पाजी को गजब का एक्शन देखने को मिल रहा है, जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके ही आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया था और मूवी को 4000 स्क्रीन्स दी गई थी अपने शुरुआती दिन में, जिसने पहले दिन 40 करोड़ से खाता खोलकर तीसरे दिन में एक ऐतिहासिक कमाई करी थी 52 करोड़ की। उसके बाद 5वें दिन में इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे का फुल फायदा उठाया और दोबारा ऐतिहासिक कमाई करी, 55 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रखा और पहले 5 दिन का टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया था और पूरी दुनिया से ये मूवी 300 करोड़ के आंकड़े को आराम से टच कर चुकी थी अपने पहले 5 दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और कम समय में फास्टेस्ट 300 करोड़ के बिजनेस करने वाली मूवी पहली बनी थी। इसी के साथ 6ठे दिन में 32 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, 7वें दिन में 23 करोड़ 80 लाख की कमाई करी। ऐसे में पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में टोटल कलेक्शन 284 करोड़ के आसपास हो चुका था और पहले हफ्ते यानी पहला 7 दिन का इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 342 करोड़ के आंकड़े को टच कर गया था और पूरी दुनिया से यह आंकड़ा पहले 7 दिन में 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। तो पहला वीक तो गदर 2 का जबरदस्त रहा, शानदार रहा, जानदार रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते की जब शुरुआत हुई तो 8वें और 9वें दिन में थोड़ा आंकड़ा स्लो देखने को मिला, लेकिन 10वें दिन में फिर बाउंस बैक करके एक जबरदस्त उछाल मारी और ऐतिहासिक कमाई दोबारा से अपने खाते में रखी और पहले 10 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 378 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर लिया था और इसी के साथ पूरी दुनिया से गदर 2 ने 490 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था अपने पहले 10 दिन में। 11वें दिन में उसके बाद 12 करोड़ की कमाई करी, फिर 12वें दिन में 11 करोड़ की कमाई करी और 13वें और 14वें दिन में सॉलिड कमाई करते हुए पहले 14 दिन यानी दूसरा हफ्ता कंप्लीट करके 419 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका था मूवी। इसी के साथ तीसरे हफ्ते की जब शुरुआत करी, शानदार तरीके से शुरुआत करी और गदर 2 15वें दिन में 7 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया, 16वें दिन में 13 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन किया, 17वें दिन में 16 करोड़ 75 लाख का जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड किया और पहले 17 दिन तक ये मूवी 456 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी थी नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में और फास्टेस्ट 450 करोड़ कंप्लीट करने वाली ये पहली हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी थी तीसरे नंबर की इस साल की। इसी के साथ गदर 2 USA से $3 मिलियन का बिजनेस भी कर चुकी है और साथ ही साथ अभी तक 3 करोड़ लोगों को दिखाई जा चुकी है ये मूवी, जबकि गदर फर्स्ट को 5.5 करोड़ की पब्लिक को दिखाया गया था और जल्द ही गदर 2 इस रिकॉर्ड को भी अपने नाम करते नजर आएगी डेफिनेटली, क्योंकि सामने कल परसों में
रक्षाबंधन का हॉलीडे वेट कर रहा है और उसके बाद जस्ट सैटरडे संडे का वीकेंड आ चुका है। बात करें फिर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो कल यानी अपने 18वें दिन में एक बार फिर से मोटी कमाई करते हुए 5,70,00,000 का होल्ड करा था मूवी ने। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 19 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो आज भी मॉर्निंग से अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट दिखाई थी मूवी ने, आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छा ग्रोथ दिखाया मूवी ने और नाइट में अभी अच्छे खासे सोच अपने खाते में रख चुकी है मूवी और ड्रीम गर्ल को आज भी सॉलिड तरीके से टक्कर दे रही है मूवी। और एडवांस जब इसने खाता खोला था 90,00,000 के कलेक्शन से खाता खोला था और एंड ऑफ द डे तक ये मूवी आज 4.5 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आ रही है। और अपने पहले 19 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो 466 करोड़ के आंकड़े को ये क्रॉस कर जाएगी आज एंड ऑफ द डे तक। और इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 600 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम कर जाएगी एंड ऑफ द डे तक और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर वन फिल्म बनेगी, कम समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली, कम समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई रेट में कमाई करने वाली और फर्स्ट फिल्म बन चुकी है जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ कंप्लीट किया, पहले उसके बाद 200 करोड़, 300 करोड़, फिर 400 करोड़, फिर 500 करोड़ और अब 600 करोड़ कंप्लीट करने में जा रही है, कर चुकी है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में इसी के साथ अपने 16वें दिन में ही ये KGF चैप्टर 2 के हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को खदेड़ चुकी थी और इस साल की जाइंट पठान को भी खदेड़ते नजर आ रही है गदर 2। इसी के साथ बाहुबली, दंगल, टाइगर जिंदा है, इन सभी फिल्मों को रिकॉर्ड्स को भी ये गदर 2 खदेड़ चुकी है कम समय में बहुत तेजी से कमाई करने वाली फिल्म के मामले में। तो दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट और जनता का प्यार सनी देओल को अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है फिर से। और कल और परसों रक्षाबंधन का हॉलीडे है, मैं फिर कह रहा हूं यहां मूवी फिर से उछाल मारने वाली है, फिर से ऐतिहासिक कमाई करने वाली है, जैसी कमाई हमें 3rd दिन में देखने को मिली थी, जैसी कमाई हमें 5th दिन में देखने को मिली थी जब इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे था, वैसा ही रुझान अभी एक बार फिर देखने को मिल सकता है क्योंकि इस बीच ड्रीम गर्ल 2 के अलावा और कोई मूवी रिलीज हो नहीं रही है और ड्रीम गर्ल 2 को तो यह पहले ही खदेड़ने में कामयाब हो रही है और जबरदस्त टक्कर भी दे रही है और जस्ट इसके बाद सैटरडे संडे का वीकेंड भी चालू है। तो मूवी जबरदस्त ग्रो करेगी, अमेजिंगली ग्रो करेगी नो डाउट और सॉलिड तरीके से कमाई करके ले जाएगी। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है, आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएंगे और गदर 2 800 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगी या नहीं ये भी जरूर बता के जाएंगे। फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।